श्री दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 27 चंडीगढ़ में क्षुलक श्री विशंक सागर जी एवं क्षुलक श्री शिमक रंदनी जी के चतुर्मास स्थापना का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया। चतुर्मास में जैन साधु 4 महीने तक एक ही स्थान पर रुकते हैं, विहार नहीं करते। यह चतुर्मास 28 जुलाई से शुरू होकर दीपावली तक चलेगा। इस समय में समाज के लोगों को साधुओं के सानिध्य में धर्म एवं शास्त्रों के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है। समारोह की शुरुआत श्री एम के जैन द्वारा पूजन विधि एवं ध्वजारोहण से की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री एम के जैन एवं डॉक्टर अशोक गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन और मंगलाचरण के साथ हुआ। चतुर्मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख वक्ता श्री संत कुमार जैन ने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस मास की विशेषताओं और उसके महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि चतुर्मास भारतीय धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आध्यात्मिक उन्नति और समर्पण का प्रतीक है। शुलक जी ने भी अपने प्रवचनों में चतुर्मास की महिमा बताई। बच्चों ने कई भजनों पर नृत्य किए। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने उत्साहपूर्वक धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया। गत 7 जुलाई के चुनाव में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी श्री धर्म बहादुर जैन प्रधान, श्री आदर्श जैन उप प्रधान, श्री संत कुमार जैन जनरल सेक्रेटरी, श्री आशीष जैन ज्वाइंट सेक्रेटरी, श्री शरद जैन ज्वाइंट सेक्रेटरी, श्री राजा बहादुर सिंह जैन कोषाध्यक्ष, श्री नीरज जैन सह कोषाध्यक्ष ने शपथ भी ग्रहण की। तत्पश्चात 1 घंटे का नमोपरण मंत्र पाठ किया गया। यह पाठ जैन मिलन चंडीगढ़ के तत्वावधान में डॉक्टर मनीष जैन प्रिया जैन द्वारा प्रायोजित था। श्री दिगंबर जैन सोसाइटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री धर्म बहादुर जैन ने सभी उपस्थित गणमान्यों का धन्यवाद किया और कहा कि यह कार्यक्रम समाज को एकजुट करने और धार्मिक संस्कारों को संजोने का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आने वाले समय में ऐसे ही धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने की भी बात कही। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित भक्तजनों ने प्रीतिभोज का आनंद लिया। यह प्रीतिभोज डॉक्टर मनीष जैन एवं